से करेंगे, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आई थिंक ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन हेमी स्पेयर, आपको हेमी स्पेयर और स्पेयर के ऊपर बेस्ड होगा सारा क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन जो होगा आपका कैपेसिटी पर होगा। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होगा। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 7, पहला क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर का आपको है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 0.63 मीटर। 0.63 मीटर, इसमें क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना है। तो हम एक क्वेश्चन आप में आपको बता देते हैं, हम ये सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन खुद से आप देखेंगे ट्राई करके। हम क्वेश्चन सेकेंड बता रहे हैं आपको, इसमें क्या है आपका रेडियस दिया हुआ है आपका, और रेडियस कितना है इसका 0.63 मीटर। तो यहाँ पर आप इसके स्पीयर को आप रेडियस को ले लें, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये रेडियस है, ये रेडियस कितना आपका 0.63 मीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वी हैव रेडियस ऑफ स्पीयर कितना दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.63 मीटर। अब यहाँ से इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग का होता है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पीयर इक्वल्स टू 2/3 πr³। क्या होगा, 2/3 πr³, सॉरी यहाँ पे आपका ये स्पीयर है तो यहाँ पे होगा 4/3 πr³। तो आर का वैल्यू कितना है 0.63 मीटर, ठीक है, 0.63 है, तो यहाँ 4/3 और पाई इक्वल टू 22/7 है, और आर इक्वल टू कितना होगा 0.63 × 0.63 × 0.63, इतना क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कटाएंगे इसको, कटाने के पहले इसको क्या करेंगे आप डेसिमल को हटा लें, ये आपका 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कटाएंगे, देखें 7 से कटेगा, 7 3 = 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 मीन्स हो गया आपका कितना, ये आपका 3 टाइम कटेगा, ठीक है, ये 3 टाइम कटेगा आपका। यहाँ पे जो बचे जाएगा आपका कितना होगा 24 4 22 4 88 88 3 जा हो जाएगा कितना 88, इसको ये आपका मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इसको मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर, यहाँ पे ही हम लोग कर सकते थे लेकिन यहाँ पे इसको मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जैसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखें यहाँ पे इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर रहे थे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या है 4 बचा हुआ है, और 22 4 = 88 होगा, 88 × क्या है आपका 3। अब यहाँ से हम लोग जो 63 बचा हुआ है, ठीक है 63, अब यहाँ पे मीटर ये आपका कितना है, किसमें, आपका मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा जो होगा आपका मतलब 100 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100 पूरा क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डाटा आपको पता होगा, आपको ये जो डाटा है आपका मीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है, और 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर क्यूब क्या होगा आपका 100 × 100 × 100, और 3 टाइम 100 करेंगे क्या होगा, ये तीनों जो होगा आपका ये क्या होगा कट जाएगा। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 4 × 22 आपका 88 हो गया, और ये 3 और इंटू क्या है 63 × 63, इतना क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पे 8 3 = 24 होगा 8 3 = 24 और 22 = 26 हो जाएगा आपका, ये आपका 63 हो जाएगा, और 63 × 63 हो जाएगा कितना 3² = 9, 6 3 = 18 18 × 36 कैरी हो जाएगा 3 6 6 = 36 39। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका जो भी वॉल्यूम इसका जो होगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा स्पीयर का आ जाएगा आपका। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से देख लेंगे इसको ट्राई करके, 7 सेंटीमीटर ईजी है आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर 2 हम बता डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अब देखिए अभी आपको क्या करना होगा, एक वाटर को डिस्प्लेसमेंट निकाल, मतलब यहाँ पे एक आपका जो है कोई कंटेनर, कोई भी कंटेनर है, आप ये समझे कोई भी कंटेनर, इसमें कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, एक स्पेयर को डालना है, स्पेयर को डालेंगे तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि स्पेयर यहाँ पे है, स्पेयर जैसे डालेंगे तो कितना पानी इससे डिस्प्लेस्ड होगा, तो पानी डिस्प्लेस का मतलब क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वही जो आपको पता होगा, आपको जो जितने वॉल्यूम होगा इसका उतना ही वाटर क्या होगा डिस्प्लेस्ड होगा, अगर आप पानी बाहर आएगा इसका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि कितना वॉल्यूम है, जितना पानी बाहर निकलेगा उतना आपका जो होगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, पहला केस में दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है इसका, इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसमें 28
28 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन जो है इसका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 0.21 मीटर, ठीक है 0.21 मीटर, ये दोनों क्या है डायमीटर। हम इस क्वेश्चन का नंबर टू बता रहे हैं, डिस्प्लेस वाटर मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। तो पहला देखें क्या होगा आपका, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल ये आपका दिया हुआ कितना, एस्पेरिकल बॉल इक्वल्स टू क्या है, डी इक्वल्स टू कितना है 0.21 मीटर। अब मीटर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, अब सॉरी डायमीटर हो गया। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 21 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय क्या है, स्फेरिकल बॉल। ये स्फेरिकल बॉल का क्या निकालना आपका, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो स्फेरिकल बॉल कितना दिया, क्योंकि आपको पता हो, आपको अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि यहाँ पे वॉल्यूम ही क्यों निकलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए आप 4/3 πr³, r का वैल्यू कितना आप देख रहे हैं यहाँ पे 4/3, पाई का 22/7, r इक्वल टू कितना 21/2 × 21/2 × क्या है 21/2 cm³, ठीक है ये हो जाएगा आपका। अब इसको आपको लीटर में निकालना है क्या, नहीं आपको ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले पर आप किसी तरह भी छोड़ सकते हैं, लीटर में निकाल सकते हैं या लीटर में नहीं भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे देखें 7 × 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा क्या 11 × 11 और 21 × 21 = 441। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44 और 1 = 45, कैरी 4, अब 4 कैरी हो गया आपका और यहाँ पे हो गया क्या 11 × 4 = 44, ये होगा आपका 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर क्या होगा उसका डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है 4851, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका जो मून वाला क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। द डायमीटर ऑफ ए मेटलिक बॉल इज कितना लिखा हुआ 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब लिखा है what is the mass of the ball, इसके बाद लिख दिया है इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है आपको, ये आपको पता होगा ये कैसा है मेटलिक बॉल है, इसका यहाँ पे क्या निकालना है मास निकालना है। आपको एक फॉर्मूला आपको हम बता चुके थे वॉल्यूम का कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है आपका, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और मास इक्वल टू क्या होगा, मास का मतलब समझ में आता है द मैटर कंटेनिंग योर बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है कोई बॉडी में कितना मैटर कंटेन कर रहा है उसको हम लोग मास कहेंगे। और डेंसिटी तो आपको डिफाइन आप खुद से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है वॉल्यूम तो आप उसको निकालना ही चल रहे हैं, कोई भी बॉडी का जो कैपेसिटी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे उसका वॉल्यूम। फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और ये जो आपका बॉल कैसा है मेटलिक बॉल है मतलब क्या होगा आपका स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। अब जब स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है आपको ये पता होगा कि स्फेरिकल बॉल का जो है ये स्फेरिकल बॉल को हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका डायमीटर दिया हुआ है मतलब आपका ये जो डायमीटर है वो डायमीटर दिया हुआ कितना है आप 4.2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कर देंगे कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, हम इसको यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो डायमीटर होगा आई थिंक डायमीटर ऑफ बॉल मेटलिक बॉल दैट मीन्स 4.2 सेंटीमीटर, ओके। सो आफ्टर दैट वी कैन राइट रेडियस मीन्स हाफ ऑफ द डायमीटर, सो वी कैन सिंप्लीफाई वी विल गेट हियर 4.2 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो द फॉर्मूला इस बॉल का जो वॉल्यूम निकालेंगे, सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ एस्पेरिकल बॉल, सो वी कैन यूज
फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। ओके सो हियर इज फोर बाई थ्री एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर आर इज आई थिंक 2.1। ओके 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको थ्री टाइम लिखना है, 2.1 × 2.1 × 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो ये आपका क्या होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये आपका जीरो होगा। 7 × 3 = 21 होगा, 4 × 24 ये होगा 88 होगा, और 4 × 21 × 21 जो होगा वो क्या होगा 441 बाई क्या होगा 1000। ये इतना सेंटीमीटर क्या हो गया आपका क्यूब निकल गया। ये तो क्या निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। अब आपको आप समझ लें वॉल्यूम निकल गया, यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, कितना डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ एस्पेरिकल बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, मास ऑफ एस्पेरिकल बॉल मीन्स वी कैन राइट हियर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके सो डेंसिटी इक्वल टू कितना दिया आपका 8.9 और वॉल्यूम कितना आपका देखें यहाँ पे 88 × 441 डिवाइडेड बाई 1000 और ये क्या हो जाएगा ग्राम में, इतना क्या हो जाएगा ग्राम में इसका आंसर आएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लें आप कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसका तो ये आपका आंसर होगा, पूरा इसको कैलकुलेशन करें कितना होगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आप इसको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई कर लेंगे। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ ऑफ द डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। इसका एक क्वेश्चन और है आपका एक्सरसाइज 13.4 में, ये इसमें क्या है देखिए आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इस वॉल्यूम की जगह पर सरफेस एरिया दे दिया है, तो हम दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं, इस वॉल्यूम का रेशियो फिर सरफेस एरिया का रेशियो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे वो हम आपको डिस्कस कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन का, यहाँ पे लिखा हुआ था डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली, इसमें 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब एक अर्थ है, एक अर्थ मान लें ये अर्थ है ठीक है, मान लें ये ठीक है, ये इतना छोटा अर्थ नहीं होता है ठीक है, मान लें ये आपका ये अर्थ है, ये क्या है मून है ठीक है, ये अर्थ एक मून है, दोनों एस्पेरिकल ठीक है, ये आपका एस्पेरिकल है, ये आपका इसकी डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है देखिए इसका, इसको अगर डायमीटर हम लोग डी लेते हैं, अगर इसकी डायमीटर किस चीज़ का है, ये अर्थ का डायमीटर जो है आपका, अगर कितना ले रहे हैं हम लोग डी ले रहे हैं ठीक है, तो ये सॉरी स्मॉल डी है, तो ये इसका जो डायमीटर होगा मून का जो डायमीटर होगा, ये मून है तो इसका डायमीटर क्या है डी बाई फोर है, मतलब इससे 1/4 है। इसका रेडियस जो है हम लोग क्या लेते हैं, इसकी रेडियस हम लोग क्या ले रहे हैं कैपिटल आर ले रहे हैं, और इसकी रेडियस क्या ले रहे हैं स्मॉल ठीक है, ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट आर बी रेडियस, आर बी रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस क्या होगा ज़्यादा होगा कंपेयर टू मून, और स्मॉल आर जो है बी रेडियस ऑफ क्या है मून है ठीक है। अब इसका देखिए डायमीटर के फॉर्म में इसको हम लोग निकालते हैं, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ, देखें आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई टू, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिख दें रेडियस ऑफ ये क्या होगा अर्थ, ई लिख सकते हैं इस पर ठीक है, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किए तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा आपका देखें, तो ये क्या आ जाएगा आपका देखने इस चीज़ को, या तो इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल आर से ही करेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे अर्थ लिख देंगे, ई लिख देंगे अर्थ ई, और यहाँ पे लिख देंगे मून लिख देंगे एम लिख देंगे ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा हम लोग, तो आर आर ई है तब आर एम मतलब रेडियस ऑफ मून, तो यहाँ पर डायमीटर इसका डी बाई फोर है, तो क्या हो जाएगा इसका डिवाइड तो क्या हो जाएगा टू से, तो डी बाई एट हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, देखें फाइंड दी यहाँ देखें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ,
वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वॉल्यूम ऑफ मून से क्या रेशियो में, कितना रेशियो में, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून। तो आपका देखें वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 4/3 स्फेरिकल है, 4/3 आर, ये हो जाएगा एम, हो जाएगा एम मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका एम क्यू, और यहाँ हो जाएगा 4/3 और ये क्या हो जाएगा पाई आर, सॉरी ये अर्थ होगा ई और ये क्या हो जाएगा एम, ये हो जाएगा आपका, ये 4/3 4/5 क्या होगा कि आपका कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना देखिए, आर ई मतलब ये वैल्यू कितना आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो होगा आपका एक मिनट आर बाई टू और ये आर बाई टू होगा, ठीक है। ये हम लोग एक्चुअली निकालना क्या है देखना, एक मिनट रुक जाए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ सॉरी टू द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून को आपको ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर रखना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून बाय क्या है आपको ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहाँ पे हो जाएगा क्या एम और यहाँ क्या हो जाएगा ई, तो आर एम का वैल्यू कितना देखें डिवाइड, इसको हम लोग 3 times लिख सकते हैं, डिवाइड इंटू डिवाइड ये लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डिवाइड टू इंटू डिवाइड टू। तो ये जो है कट के डी 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 कैंसिल और टू 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एक एट बचेगा, मतलब क्या होगा 1/64, ठीक है, मतलब क्या होगा 1:64, ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। तो कभी कभी आपका सेकेंड क्वेश्चन में सरफेस एरिया का भी रेशियो दिया हो, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन सरफेस एरिया का भी रेशियो हम आपको बताते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया का क्या होगा, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ही वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया रेशियो, तो यहाँ पे क्या होगा रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया में क्या होगा आपका 4π एरिया ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 4rm2। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए क्योंकि वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कितना आर एम का वैल्यू कितना आपका आर एम का डिवाइड इंटू डिवाइड और ये आपका क्या होगा डिवाइड टू, ठीक है, ये डी डी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 times होगा आपका 4 2 8।